नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, मैं यशवंत। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें इतना बदलाव आ गया है, और वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसे जीतने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं आप सोच नहीं सकते। जैसे क्या होता है, जब किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट का जैसे कि लॉन्च होता है, तो सबसे पहले ये जो कंपनी है वो जो एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइज कंपनी होती है उनसे कंसल्ट करती है, और उनको कहती कोई एक अच्छा मॉडल हमें दें जिनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करेंगे, और उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ बता दीजिए आप कि जितने भी कंपटीटर हो मार्केट में वो अपने आप हट जाएं। मतलब हमारे ही प्रोडक्ट का आप पूरी तरह से गुणगान गाएं और हमारे प्रोडक्ट को एक तरह से आप ब्रांड बना दें। इसकी जिम्मेदारी दी जाती है किसको? इसकी जिम्मेदारी दी जाती है एडवर्टीजमेंट जो कंपनी होती है, जो एजेंसियां होती हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह आजकल यही हमारे देश के अंदर चल रहा है। मानो कि जो पीएम जो एक पद है वो इसी तरह का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता होगा सन 2014 से पहले मोदी जी क्या करते थे, बड़े बड़े कैंपेन करते थे, जगह जगह मंच लगा के लोगों को संबोधन के द्वारा चीज़ों को बताते थे, या फिर यूं कहें कि जो कांग्रेस के द्वारा जितनी भी नकारात्मकता थी, जितने भी काम नहीं किए गए थे उनके बारे में अपने जबान से कह के बताते थे कि इनकी ये अयोग्यता है, ये सफलता है, पहले ये सब चीज़ें बताते थे। पर दोस्तों, अब क्या है, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब सहारा लिया जा रहा है दोस्तों मीडिया का, मीडिया के बाद आया बॉलीवुड का। आप ही सोचिए दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि एक ही दिन दो फिल्में आती हैं। पहली फिल्म का नाम है दोस्तों द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी फिल्म का नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये दोस्तों जो दोनों फिल्में हैं एक दिन रिलीज होती हैं, और जो उरी है द सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों, ये चलिए मानते पूरा लबरेज है पूरा नेशनलिज्म से, पर ये जो दोनों फिल्में हैं दोस्तों इसे आप कहीं भी झुठला नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस विरोधी फिल्में हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की नकारात्मकता को इसमें दिखाया गया है और उसकी छवि को धूमिल किया गया है, ये इसमें दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर है इसमें, द प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंशियल मूवी में जो प्राइम मिनिस्टर का रोल किए हैं वो है अनुपम खेर जी, और उनके रोल को जब आप रिव्यूज देखेंगे या फिल्में ही अगर आप देख कर आए हों, तो इनके कैरेक्टर को इस तरह पेश किया गया है मानो ये बस कठपुतली हो। इसमें दिखाया गया है दोस्तों सन 2004 से लेके जो जितने भी ये कार्यकाल किए हैं 10 साल तक, ये एक तरह से बस एक कठपुतली के रूप में वहाँ पे नजर आए हैं, और सारा जो शासन का बागडोर अगर इंडायरेक्टली आप कहेंगे तो सोनिया गांधी के हाथ में था। उन्हीं के दिन को जब सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अलग अलग खुद अपने अभिनय करेंगी, डायरेक्शन करेंगी और प्रोडक्शन करेंगी, तो फिल्मों का नाम कैसा होगा? योजना 2 पर योजना 3, अगस्ता में मैं नहीं, राफेल में तुम नहीं, फलाना ढिकाना, इस तरह की फिल्मों का रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, सन 2004 से लेकर सन 2008 तक जब प्रधानमंत्री आपके मनमोहन जी थे, तो उस समय जो उनके पर्सनल मीडिया सलाहकार थे वो थे संजय बारू। जैसे ही दोस्तों सन 2008 के बाद ये अपने पद से हटते हैं, वे एक किताब का विमोचन करते हैं जिस किताब का नाम रहता है द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों उन दौरान ये बहुत ही कंट्रोवर्सीज में होती है और बहुत आलोचना भी होती है संजय बारू की भी, और जितने विपक्षी लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी का करते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इनकी नकारात्मकता को दिखाया गया है, और एक तरह से कहें बीजेपी को अपलिफ्ट किया जा रहा है और कांग्रेस को डाउन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं जिनके माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, ये गलत है। समझ में नहीं आ रहा सेंसर बोर्ड कहाँ गया, किसी के चरित्र को, किसी के कार्यकाल को, किसी के पार्टी क्या आप सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं? तो आपको तो यहाँ पे रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी जो फिल्म आती है दोस्तों उसी दिन रिलीज होती है उरी द अटैक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों इसमें विक्की कौशल हैं आपके जो अभिनय किए हैं, यामी गौतम हैं, चलिए ठीक है। ये दोस्तों वही घटना है जो सितंबर सन 2016 में क्या हुआ था कि हमारे 19 जवानों के सिर काट लिए गए थे, जिनके अगेंस्ट में कह सकते हैं हमारे जवान जाते हैं
और नरसंहार करते हैं पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर। चलिए अच्छा चीज़ है। तो पर दोस्तों जब आप इसे एक एनालिसिस करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। बीजेपी को दोनों फिल्मों में ही अपलिफ्ट किया जा रहा है, और इससे क्या होगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों आज हमारे देश की जो राजनीति है अब मतलब फिल्मों का सहारा ले रही है। अब ये प्रमोशन करेंगे कि हाँ हम इस माध्यम से हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। हमको लग रहा है कुछ दिन बाद योजना भी इसी में डालेंगे कि नहीं कंपलसरी है, ये योजनाएं डालो और दिखाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसा भी कि आपको पता भी है जो ओरिजिनल जो बुक में लिखी गई है दोस्तों वो फिल्म में नहीं दिखाया गया है, वो काट पीट के दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश की भी बदनामी होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।